ओके तो इस वीडियो में हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। नंबर लाइन के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो नंबर लाइन की या फिर कहीं भी हम शुरुआत करते हैं तो वो ज़ीरो से बात करते हैं। ज़ीरो क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, ना हम राइट में हैं ना हम लेफ्ट में हैं। ठीक है, अब यूजुअली हमारी लाइफ में हम ये बोलते हैं कि राइट साइड हम जा रहे हैं तो सही कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लस माना जाता है उसको। तो ज़ीरो के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3 ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड की बात करें तो जहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे नंबर्स का, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर्स का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो रैशनल नंबर्स हमें पता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। पहली चीज़ तो सारे इंटीजर्स मिलकर फॉर्म करते हैं रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर मैं ज़ीरो से ले कर 1 की बात करूँ तो 0 से ले कर 1 में अगर मैं मिड वे की बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, जस्ट हाफ। ओके, तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। ऐसे रैशनल नंबर्स का अभी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को, सबसे पहले हमने देख लिया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले जैसे कि हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ओके, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया है 0, यहाँ पर एक पॉइंट है 1, यहाँ पर पॉइंट है 1-1। अब आपसे बोला है 0 से लेके 1 के बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमें पता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, पी को मैंने लिया है 7 और क्यू को मैं ले लेती हूँ 3। तो ऐसे जो 7 होगा वो टोटल पॉइंट्स होंगे। इसको मैं कैसे याद रखूँगी? 7 टोटल पॉइंट्स और क्यू को मैं याद रखूँगी इक्वल पार्ट्स। क्या याद रखूँगी? इक्वल पार्ट्स, यानी कि इस पर्टिकुलर ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अगर मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर मुझे एक तो 7 पॉइंट्स तक जाना है, ये अभी पॉइंट नंबर 1 है, और पार्ट्स कितने करने हैं? पार्ट्स करने हैं मुझे 3। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट किया और ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। तो ऐसे करके मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ये हो गया मेरा 0/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। यानी 3/3 कितना हुआ? 1। ओके, अब मैं आगे बढ़ूँगी तो ये हो गया 4/3, ये हुआ 5/3, दिस इज 6/3। 6/3 क्या हो गया? 2। 3 को आप 2 से 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैं बढ़ी हूँ और आगे थोड़ा सा जब बढ़ूँगी तो ये हो जाएगा 7/3। ओके, तो अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इक्वल पार्ट्स। कितने? आपको मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितने पार्ट्स लेने हैं? 3 पार्ट्स लेने हैं। ये इक्वल पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स आपको लेने हैं। और जाना कहाँ तक है ये आपका डिसाइड करता है फाइनल डेस्टिनेशन। ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट। ये आपके इक्वल पार्ट्स होंगे और ये होगा आपका फाइनल पॉइंट। आप ऐसे कोई सा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ NCERT की बुक से ही। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपकी, जिसमें था -2 और 0 के बीच में कोई 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। तो उन्होंने जो पैटर्न यूज़ किया उसमें उन्होंने ले लिया है कि -2 को उन्होंने मान लिया है 20/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 0 से 0 कैंसिल हुआ, अगेन -2 बचा। ठीक है, वैसे अगर आप नंबर लाइन पर इसको देखेंगे तो ये है -2 और ये है 0। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ तो 10 पार्ट्स होते हैं, तो -1.9, -1.8। पर किसी किसी को ये थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसको 10 के फॉर्मेट में चेंज कर लिया, यानी रैशनल नंबर्स फॉर्मेट में चेंज करके बता दिया है।
ठीक है। तो इन्होंने माइनस टू को अब क्या किया है, माइनस टू अपॉइंट टेन, और ज़ीरो को मान लिया ज़ीरो अपॉइंट टेन, सॉरी माइनस ट्वेंटी अपॉइंट टेन और ज़ीरो अपॉइंट टेन। अब माइनस ट्वेंटी से मैं ज़ीरो की तरफ चलती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस नाइनटीन अपॉइंट टेन, माइनस एटीन अपॉइंट टेन, ऐसे करके आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे तीन रैशनल नंबर्स, माइनस नाइनटीन अपॉइंट टेन, माइनस एटीन अपॉइंट टेन एंड माइनस सेवनटीन अपॉन टेन, जो कि माइनस ट्वेंटी अपॉन टेन और ज़ीरो अपॉन टेन के बीच में होंगे। कैंसिल आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1.9, 1.8, 1.7, ये ज़ीरो का ज़ीरो ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा 2.0 माइनस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक और पैटर्न होता है रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का। अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, जैसे कि माइनस टू से ज़ीरो के बीच में आपने तीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से आए कि वन अपॉन टू और वन अपॉन फोर के बीच में आप रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, तो जब आपको इस तरीके से आएगा तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस केस में एक सिंपल सा तरीका है, आपको आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आप किसी भी चीज़ को बीच में से ही कर सकते हैं, तोड़ना किसी भी चीज़ को, हाफ करना, तो जाहिर सी बात है आप उसके बीच में ही रहने वाले हैं। और किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे होते हैं यानी कि आप उसके दो पार्ट्स कर रहे होते हैं, कितने पार्ट्स कर रहे होते हैं, टू पार्ट्स। तो यहाँ पर जब टू पार्ट्स की बात आएगी तो यानी कि हम उसे दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई टू कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे वन अपॉन टू और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कहीं तक भी मुझे फाइंड आउट करने हो आसानी से मैं कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर रही हूँ तो बीच में फाइंड आउट करना मतलब दो पार्ट्स करना, यानी टू से डिवाइड करना। तो इन दोनों के बीच में, तो अगर इन दोनों को मुझे तोड़ना है तो पहले जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाला काम हो गया। ये 1/2 + 1/4 ये मैंने किया, और इसको पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, टू से। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करती हूँ, टू और फोर को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया फोर, ये हो गया 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 3/4 / 2। ओके, तो 3/4 / कितना हो गया, 2, ये 2/1 है अभी, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ, 3/4 × 1/2, ये कितना हो गया, 3/8। अब इसको आप या तो पॉइंट्स में लिख लीजिए या फिर ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप कहाँ पे हैं, अब आप कहाँ पर हैं, जैसे कि आपको 1/2 है, एक 1/4 है, और इनके बीच में आपको क्या मिल गया, 3/8, ठीक है। देखिए अब इसको ठीक से लिखना, 1/2 और 1/4 इनके बीच में आपको मिल गया है 3/8, यानी कि 1/2 और 3/8 और 3/8 से लेके 1/4। अगेन मैं इनको सॉल्व करके, जैसे 1/2 से लेके 3/8 तक लेकर इनको आपस में डिवाइड कर दूंगी तो इनके बीच में भी मुझे एक मिल जाएगा रैशनल नंबर्स। ये 1/2 प्लस 3/8 / 2, तो ऐसे मुझे इन दोनों के बीच में मिल जाएगा कहीं पर, और ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा, और कुल मिलाकर रहने इनके बीच में ही वाला है। इस तरीके से मैं किसी भी तरीके के रैशनल नंबर्स के मिड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब इसे हम आगे एक्सरसाइज में देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2।